आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमेशा से ही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आया जिसका नाम यूहन्ना था, जो उस ज्योति की गवाही देने आया ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो सच्ची ज्योति था, ज्योति जो इस संसार में आकर हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। वचन जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने ही लोगों में आया पर उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु कुछ ने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, तो उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे परमेश्वर की संतान प्राकृतिक रूप से नहीं बने, अर्थात किसी मनुष्य की संतान होकर नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर उनका पिता बना। वचन मनुष्य बना और अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, वो महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र की महिमा थी, और यूहन्ना ने उसकी गवाही दी। ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है, और वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि अपने अनुग्रह की परिपूर्णता में से उसने हमें आशीषों पर आशीषें दी। वैसे तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई केवल यीशु मसीह द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है और पिता के साथ है, उसी ने उसको प्रकट किया है। यहूदी अधिकारियों ने यरूशलेम से कुछ याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा। तू कौन है? यूहन्ना जवाब देने से नहीं चूका, परंतु स्पष्टता से सबके सामने बोला, मैं मसीह नहीं हूं। फिर तू है कौन? क्या तू एलिया है? नहीं, मैं वो भी नहीं। तू वो भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो बता हमें तू कौन है? हमें अपने भेजने वालों को जाकर उत्तर देना है। तू अपने बारे में क्या कहता है? यूहन्ना ने भविष्यद्वक्ता यशायाह की बात बता दी। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने यूहन्ना से पूछा, अगर तू मसीह नहीं, ना तो एलिया, ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में वो खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वो मेरे बाद आने वाला है, पर मैं इस योग्य नहीं
कि उसकी जूती का बंध भी खोलूं। ये बातें यर्दन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके बारे में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं नहीं जानता था वो कौन होगा, पर मैं इसीलिए पानी से बपतिस्मा देता आया, ताकि उसे इसराइल पर प्रकट करूं। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरकर उस पर ठहरते देखा, तब भी मैंने उसे नहीं पहचाना था, परंतु परमेश्वर जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने भेजा था, उसने मुझे बताया था, जिस व्यक्ति पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मैंने ये देखा और तुम्हें गवाही देता हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। अगले दिन यूहन्ना अपने दो चेलों के साथ वहीं खड़ा था, जब उसने यीशु को जाते हुए देखा। ये परमेश्वर का मेमना है। उन दो चेलों ने उसे ये कहते सुना और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा। तुम किसकी खोज में हो? तू रहता कहाँ है? हे रब्बी, हे रब्बी, रब्बी अर्थात हे गुरु। चलकर देख लो। ये समय था लगभग दोपहर के 4 बजे, तो वे उसके साथ गए। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। उनमें से एक शमौन पत्रस का भाई अंद्रियास था। उसने तुरंत अपने भाई शमौन से मिलकर कहा, हमें मसीह मिल गया। इस शब्द का अर्थ है ख्रिस्त। वह शमौन को यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखा तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा कहलाएगा। ये पत्रस समान है, जिसका अर्थ है चट्टान। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पत्रस के नगर बैतसैदा का निवासी था।
फिलिपुस नतनेल से मिला, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से मिल सकती है? चलकर देख लें। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, यह सचमुच इज़राइली है, इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। तू मुझे कैसे जानता है? इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। मैंने तुझसे कहा कि तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेगा। दो दिन बाद गलील के काना में किसी का विवाह था। यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हे महिला, तुझे इससे क्या लेना देना? अभी मेरा समय नहीं आया। जो ये तुमको करने को कहे वही करो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, इतने बड़े कि उनमें 20 से 30 गैलन समा सकता था। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। अब थोड़ा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। उनके पास वे पानी ले गए जो अब दाखरस बन चुका था। उसने उसे चखा। वो नहीं जानता था कि यह दाखरस कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो उसने दूल्हे को बुलाया। हर एक व्यक्ति पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, पर तूने तो सबसे अच्छा अब तक रख छोड़ा है। Thank you.
यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद यीशु, उसकी माँ, उसके भाई और चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों को फटकारा। इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को याद आया जो शास्त्रों में लिखा है, तेरे घर की धुन हे परमेश्वर मुझको खा जाएगी। तब यहूदी अधिकारी उसके पास ये प्रश्न लेकर आए, तू कौन सा चिन्ह दिखाकर ये सिद्ध करेगा कि ये करने का तेरे पास अधिकार है? इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। परंतु यीशु अपनी देह के विषय में कह रहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को याद आया कि उसने ये कहा था, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के वचन पर विश्वास किया। जब यीशु यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखा जो यीशु ने दिखाए और विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सबको जानता था। उसे आवश्यकता न थी कि कोई उनके बारे में उसे बताए, क्योंकि वो जानता था उनके मन में क्या है। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वो यीशु के पास आया। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ऐसे चिन्ह नहीं दिखाता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है? निश्चित है वो अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म नहीं ले सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है।
अचंबा ना करो कि मैं तुमसे कहता हूं कि नए सिरे से जन्म लो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुन सकते हो पर यह नहीं जानते कि वो कहां से आती है और कहां जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है? तू इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ सकता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम मेरी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते तो फिर तुम मेरा विश्वास कैसे करोगे? जब मैं स्वर्ग की बातें बताऊंगा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, जो मनुष्य का पुत्र है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां वो उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनॉन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। हे रब्बी, तुझे याद है वो व्यक्ति जो यर्दन के पार तेरे साथ था, जिसकी गवाही तूने दी? देख, वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम मेरे गवाह हो जो मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है और दूल्हे की आवाज से खुश हो जाता है। अब मेरी यह खुशी पूरी हुई। अवश्य है कि अब वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, और पृथ्वी की ही बातें सुनता है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है, जो उसने देखा और सुना वही बताता है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। पर जो उसकी बात सुनता है छाप लगाता है कि परमेश्वर सच्चा है। जिसे परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भर भर कर देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और हर चीज उसके अधिकार में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन नहीं पाएगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि वो यूहन्ना से बढ़कर चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, वास्तव में यीशु नहीं पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया, जहां जाने उसका सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। वो सूखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस जमीन के पास थी जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था,
चलते चलते यीशु थक कर कुएं पर बैठ गया। ये दोपहर का समय था। इतने में एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। उसके चेले नगर से भोजन मोल लेने गए थे। तू यहूदी है और मैं एक सामरी, तो फिर क्यों मुझसे पानी मांगता है? यहूदी सामरियों के प्याले और प्यालियों से नहीं खाते पीते थे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल कहां से लाएगा? हमारे पिता याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया, तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और उन्हें अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर तक आऊं। जा, अपने पति को यहां बुला कर लिया। मैं बिना पति के हूं। तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तूने मुझसे सच सच कहा। मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास करना रे, कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आता है, बल्कि आ गया है, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा के सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मैं जानती हूं कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा, तुझे क्या चाहिए, या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। व्यक्ति को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा लो। पर उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में ये प्रश्न किया, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। यहां वो कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। तो वो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि
क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु आप ही कहता था कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वो मरने पर था। जब तक चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु से पहले मेरे साथ चल। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके दास इस समाचार के साथ मिले। तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा था। कल दोपहर 1 बजे थे जब उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारी हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और जान लिया कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर
वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। वो सप्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सप्त का दिन है, हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझसे ये करने को कहा? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ के कारण यीशु वहां से हट गया था। बाद में यीशु को वो मंदिर में मिला। देख, तू चंगा हो गया, पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। उस व्यक्ति ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि यीशु ने सब्त के दिन चंगाई दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता हमेशा काम करता है और मुझे भी काम करना है। इस उत्तर से यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है और वो इससे भी बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे इसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन में पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो जो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है,
क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना न उसका रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं लोगों से प्रशंसा नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं तुम किस रीति के हो, और तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के अधिकार से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और जब कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। तुम एक दूसरे से प्रशंसा चाहते हो, और तुम उस एकमात्र परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते, तो फिर तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकोगे? ये मत समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है वही तुम पर दोष लगाने वाला होगा। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। जब तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगाई देने वाले आश्चर्य कर्म देखे थे। चढ़ा और अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा। भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिप्पुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया, और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी।
और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के पास आते देखा और डर गए। डरो नहीं, मैं हूं। फिर वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर कोई और नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबीरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और न उसके चेले तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? हमारे बाप दादो ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है।
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, ये हमें जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? आपस में कुड़कुड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है? बिना बताए यीशु जान गया कि वे क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है।
मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और तुम, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यहूदा बारहों में से एक होकर भी उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इस जगह को छोड़ यहूदिया जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि जो प्रसिद्ध होना चाहता है वो छिप कर काम नहीं करता है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं रख सकता, परंतु मुझसे, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो ये कहकर गलील में ही रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, यीशु भी पहुंचा, परंतु प्रकट होकर नहीं, गुप्त रूप में गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है? और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। वो भला व्यक्ति है, कुछ ने ऐसा कहा, नहीं दूसरों ने कहा, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यहूदियों के सरदार सुनकर चकित रह गए। ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं होता। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? परंतु तुम में से एक भी व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सप्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सप्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सप्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा,
क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, और जहां वो होगा हम नहीं जा सकते। अब ये क्या बात हुई? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये बात आत्मा के बारे में की, जो उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली थी, क्योंकि तब तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। भीड़ में कुछ लोगों ने यीशु को ऐसा कहते सुना तो, सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है। पवित्र शास्त्र में आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव में जन्मेगा, जहां दाऊद रहता था। तो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या उसने तुम्हें भी भरमाया? क्या तुमने किसी सरदार या फरीसी को उस पर विश्वास करते देखा? ये लोग मूसा की व्यवस्था नहीं जानते। उन पर परमेश्वर का शाप है। निकुदेमुस नाम का एक फरीसी था, जो पहले यीशु से मिलने आ चुका था। हमारी व्यवस्था के अनुसार हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी सुनकर ये न जान ले कि वो क्या करता है। क्या तू भी गलील का है? पवित्र शास्त्र को ढूंढ और देख ले कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं होने का। तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है?
उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सके, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही। यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड किया गया नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने फरीसियों से बात की, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम मानव रीति से न्याय करते हो। मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता परंतु मेरे साथ मुझे भेजने वाला पिता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु ने ये सारे उपदेश मंदिर में के भंडार घर में दी, जहां उपहार के संदूक थे। किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो अपने आप को मार डालेगा? तुम इस संसार के हो पर मैं ऊपर से आया हूं। तुम इस संसार के हो पर मैं इस संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तू है कौन? वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ कहना है तुम पर दोष लगाने हेतु, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये न समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहता है, जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता परंतु
जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। बहुतों ने यीशु को यह कहता सुनकर उस पर विश्वास किया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा परिवार का सदस्य नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा के लिए पुत्र है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हें स्वीकार नहीं, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो पिता ने मुझे दिखाया है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हमारा पिता तो अब्राहम है। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें परमेश्वर से सुनकर सत्य वचन सुनाया। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम वही करते हो जो तुम्हारे पिता ने किया। हमारा पिता केवल परमेश्वर है, हम वह विचार से नहीं जन्मे। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और अब मैं यहां हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा प्रवचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता से हो अर्थात शैतान, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और वो सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वो जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक और है जो चाहता है, जो न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा कभी नहीं मरेगा। अब हमने जान लिया है तुझमें दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि तेरे वचनों पे चलने वाला कभी नहीं मरेगा। हमारा पिता अब्राहम मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? सारे भविष्यवक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, पर मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। इसने परमेश्वर की निंदा की। छू नहीं उसे, पकड़ो उसे जाकर। ये ऐसा कैसे कह सकता है? ये कौन जिंदा है? परंतु यीशु छिपकर मंदिर में निकल गया।
जाते हुए यीशु ने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इसने या इसके माता पिता ने? इसका अंधा होना ना तो इसके ना इसके माता पिता के पापों का प्रतिफल है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक दिन है हमें उसके काम करते रहना है जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दी। जा और शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब उसके पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? ये वही तो है। नहीं, ये वो नहीं, उसके समान दिखता है। मैं वही हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि तेरी आंखें खुल गई? यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलो में जाकर धो ले, तो मैं गया और जैसे ही धोया मैं देखने लगा। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें कैसे खुल गईं। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देख सकता हूं। ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। एक पापी व्यक्ति ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? तब उनमें फूट पड़ गई। उसने तेरी आंखें खोली हैं तो तू उसके विषय में क्या कहता है? वो भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी उसके माता पिता को बुलाकर न पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब कैसे देखता है? हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सियाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा।
ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने जन्म से अंधे को बुलाकर दूसरी बार उससे पूछा, परमेश्वर के आगे सच बोलने की शपथ ले। हम जानते हैं तेरी आंखें खोलने वाला पापी है। मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और अब देख सकता हूं। उसने तेरे साथ क्या किया? उसने किस तरह तेरी आंखें खोली? मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात की, परंतु इस व्यक्ति को नहीं जानते कि वो आया कहां से है। यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसके सुनता है। जगत के आरंभ से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू तो पापों में जन्मा है और उसी में बड़ा हुआ, और तू हमें सिखाता है। और उन्होंने उसे आराधनालय से बाहर निकाल दिया। जब यीशु ने सुना क्या हुआ था, तब वो जाकर उस व्यक्ति से मिला, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। मुझे विश्वास है प्रभु। और उसने यीशु को दंडवत किया, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, कहीं तेरा अर्थ ये तो नहीं कि हम अंधे हैं? यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसकी आवाज सुनती है, और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो उन्हें बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो एक मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है वैसे मैं उसे जानता हूं, और मैं उनके लिए प्राण देने को तैयार हूं।
मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी तो लाना है। वो मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड का एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर से फूट पड़ गई। कुछ भी बोले जा रहा है, उसमें दुष्ट आत्मा है। वो पागल है। तुम उसकी क्यों सुनते हो? बातें ऐसी व्यक्ति की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? जाड़े की ऋतु थी और यरूशलेम में मंदिर स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था जब लोगों ने उसे आ घेरा। तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हमें साफ साफ कह दे, क्या तू मसीह है? मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के अधिकार से करता हूं वो मेरे गवाह है, पर तुम विश्वास नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे भेड़ नहीं हो। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नहीं मरेंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। तब यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तेरे भले कामों के लिए तुझ पर पथराव नहीं करना चाहते, परंतु तूने निंदा की है। तू तो एक मनुष्य है और अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो? पवित्र शास्त्र की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। जब परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा, जिन लोगों के पास उसका वचन पहुंचा जो मेरी बात है, पिता ने पवित्र ठहरा कर मुझे जगत में भेजा है, फिर तुम कैसे मुझे कहोगे तू निंदा करता है, जब मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। तब उन्होंने फिर से यीशु को पकड़ना चाहा, पर वो उनके हाथ से निकल गया। फिर यीशु यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते, यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, पर इसके विषय में सब कुछ सच सच कहा, और बहुतों ने उस पर विश्वास किया। लाजर नामक एक व्यक्ति जो बैतनिया का वासी था बीमार था। बैतनिया में मरियम और उसकी बहन मार्था रहते थे। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा,
प्रभु, तेरा प्रिय मित्र लाजर बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, इसका अंतिम परिणाम लाजर की मृत्यु नहीं होगा। ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता है, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ यहूदिया को चले। हे रब्बी, अभी तो लोग उस स्थान पर पथराव करना चाहते थे, क्या तू फिर भी वहां जाता है? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। अगर वो सो गया है प्रभु, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, पर वे समझे वो नींद में सो रहा है, तो यीशु ने साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। चलो हम उसके पास चले। तब थोमा, जिसे जुड़वा कहते थे, साथी चेलों से बोला, चलो हम सब रब्बी के संग चलें ताकि उसके साथ मर जाएं। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर दिलासा देने आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आया है तो वो उससे मिलने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यदि तू यहाँ होता है प्रभु, तो मेरा भाई कभी न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन वो जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। क्या तू विश्वास करती है? हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है। ये कहकर मार्था गई और अपनी बहन मरियम से चुपके से कहा, गुरु यहां है और तुझे बुलाता है। जब मरियम ने यह सुना तो वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे दिलासा दे रहे थे उसके पीछे हो लिए। जब उसे उठकर बाहर जाता देखा, वे समझे वो कब्र पर रोने जा रही है। जब मरियम यीशु के पास पहुंची तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। तुमने उसे कहां दफन किया है? चलकर देख ले प्रभु। ये
यीशु रोया। देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था, लोग कहने लगे। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि लाजर ना मरता? यीशु मन में फिर से उदास हुआ और वो कब्र पर गया जो एक गुफा थी और एक पत्थर उसके मुंह पर था। पत्थर को हटा दो। हे प्रभु, उसमें से दुर्गंध आती होगी, उसे दफनाए 4 दिन हो चुके हैं। क्या मैंने तुझसे न कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें ऊपर उठाई। हे पिता, तेरा धन्यवाद जो तू मेरी सुनता है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु उनके कारण मैंने ये कहा जो यहां खड़े हैं, जिससे वे विश्वास करें कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहकर वो ऊंची आवाज में पुकार उठा, लाजर बाहर आ जा। वो निकल आया, उसके हाथ पांव कफन में लिपटे हुए थे और मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। उसे खोल दो और जाने दो। तब जो मरियम के पास आए थे और यीशु के काम को देखा तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलवाकर कहा, अब हम क्या करें? उन चमत्कारों को तो देखो जो ये व्यक्ति करता है, यदि हम उसे ये करने देंगे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति जो उस वर्ष महायाजक था बोला, तुम सब मूर्ख हो, क्या ये नहीं समझते कि भला है कि एक व्यक्ति हमारे लोगों के लिए मरे और सारी जाति नष्ट ना हो? ये बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर उसने भविष्यद्वाणी की कि यीशु यहूदियों के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। उसी दिन से यहूदियों के प्रधान उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, तो यीशु उस दिन से खुलेआम नहीं आता जाता, परंतु जंगल के निकट बसे प्रदेश में इफ्राइम नामक नगर में अपने चेलों के साथ रह पड़ा। यहूदियों का फसह पर्व था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। वे यीशु को ढूंढ रहे थे और जब मंदिर में जमा हुए तो आपस में पूछने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आने वाला? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वो उसे पकड़ सकें। फसह से 6 दिन पहले यीशु बेतनिया में आया, जो लाजर का गांव था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था।
वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटा मासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पर यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने वाला था बोला, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। उसके पास पैसों की थैली थी जिससे वो चुरा लेता था। उसे रहने दो, उसे मेरे ये गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। बहुत से लोगों ने सुना था कि यीशु बैतनिया में था, तो वे वहां पहुंचे केवल मसीह के लिए ही नहीं बल्कि लाजर को भी देखने, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, जिसके कारण कई यहूदी उन्हें छोड़कर यीशु पर विश्वास कर रहे थे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो उन्होंने खजूर की डालियां निकाली और उसका स्वागत ये कहकर करने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य इज़राइल का राजा। यीशु को गधे का एक बच्चा मिला जिस पर वो सवार हुआ, जैसा पवित्र शास्त्र में है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। उन लोगों ने जो यीशु के साथ थे जब उसने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया था ये गवाही दी। इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने चमत्कार किया था। तब फरीसियों ने आपस में कहा, देखो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो सारा संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना के लिए आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर कहा, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से जाकर कहा, तब दोनों ने जाकर यीशु से कहा, ये समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की बड़ी महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानेगा
अनंत काल तक उसे बचाएगा। जो कोई मेरी सेवा करना चाहे वो मेरे पीछे हो ले, ताकि जहां मैं रहूं मेरा सेवक भी वहां रहे। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल है तो अब मैं क्या कहूं? क्या ये कहूं कि हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा लो? पर मैं इसीलिए तो आया ताकि इस पीड़ा की घड़ी को पहुंचूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब एक आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर से करूंगा। तब जो भीड़ थी वो सुन रही थी, तो कुछ ने कहा कि बादल गरजा, तो दूसरों ने कहा कोई स्वर्ग दूत उससे बोला, ये वाणी मेरे लिए नहीं है परंतु तुम्हारे लिए कही गई। अब इस समय संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यदि जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचा उठाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने इशारा किया कि वो कैसी मृत्यु मरने वाला है। हमारी व्यवस्था बताती है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू कैसे कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और स्वयं को उनसे छिपा लिया। उसने उनके सामने इतने चिन्ह तो दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण कि विश्वास न कर सकें, क्योंकि यशाया ने ये भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसकी बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण सबके सामने ये नहीं कहते थे, ताकि वे आराधनालय में से निकाले न जाएं। उन्हें परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से बढ़कर मनुष्य की प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को भी देखता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं जगत का न्याय करने नहीं उसे बचाने आया हूं। जो मुझे और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला एक है। जो वचन मैंने कहा है वो अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। और मैं जानता हूं उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वही बोलता हूं जो पिता ने बोलने को कहा है।
अब वो दिन आया जो फसह के पर्व से पहले का था। यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ गई कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। उसने अपने लोगों से जो जगत में थे प्रेम रखा और अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। यीशु और उसके चेले भोजन कर रहे थे। शैतान शमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था वो यीशु को पकड़वाए। यीशु जान गया था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और वो परमेश्वर के पास से आया है और परमेश्वर के पास जाता है। वो भोजन पर से उठा और अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा कमर पर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और कमर पर बंधे अंगोछे से पोंछने लगा। फिर शमोन पतरस के पास आया। क्या तू मेरे पांव धोएगा प्रभु? जो मैं अभी करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद जानेगा। तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यदि मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरा चेला नहीं ठहरेगा। प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो। सिवाय एक के। यीशु पहले से उसके पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा सबको छोड़कर एक नहीं। जब यीशु उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और संदेश लाने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं। अब जो ये सत्य तुम जान गए और अगर इन पर चलोगे तो कितने धन्य होंगे। मैं तुमसे सबकी बात नहीं करता, मेरे चुने हुओं को मैं जानता हूं, परंतु पवित्र शास्त्र पूरा हो जो कहता है जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मैं इसके होने से पहले तुम्हें जताता हूं कि जब वो हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे भी करता है, और मुझे ग्रहण करने वाला मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है।
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और सबके सामने गवाही दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं? कौन से का मतलब क्या है? चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु के पास बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर इशारा किया। उससे पूछ वो किसकी बात करता है। तो वो चेला यीशु के निकट और सरका। वो कौन है प्रभु? जिसे मैं रोटी डुबाकर ये टुकड़ा दूंगा वही होगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा लिया उसमें शैतान समा गया। जो तुझे करना है जल्दी कर। बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि यीशु ने यह बात उससे किस लिए कही, क्योंकि यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी। तो कुछ चेलों ने सोचा यीशु ने उसे पर्व के लिए मोल लेने को भेजा है या कंगालों को कुछ दे दे। यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तुरंत बाहर चला गया। रात्रि का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदी सरदारों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तू कहां जा रहा है प्रभु? जहां मैं जाता हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि ना होते तो तुमसे ये ना कहता, और जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो हम वहां पहुंचने का मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे,
ये हमारे लिए बहुत है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता फिलिपस कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं वो मेरी ओर से नहीं है। पिता जो मुझ में है अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर का सत्य प्रकट करता है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न तो उसे देखता है न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम में रहता है। जाते जाते मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देख पाएगा पर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। जब वो दिन आएगा तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम रखेगा, मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उन पर प्रकट हो जाऊंगा। यहूदा जो इस्करियोती नहीं था बोला, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने मुझसे तुमसे कहते सुना, मैं जाता हूं वरन तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैंने अब इसके होने से पहले ही तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करोगे। मैं अब तुमसे और बातें नहीं करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। परंतु संसार ये जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं वो सब करता हूं जिसकी आज्ञा पिता देता है। उठो, हम इस जगह से चले। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है ताकि छंट कर वो और फल दे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। डाली अपने आप में फल नहीं दे सकती, वो तभी फलेगी जब दाखलता में बनी रहेगी। उसी प्रकार तुम भी फलोगी नहीं जब तक मुझ में न बने रहें। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और ये डालियां बटोर कर आग में झोंकी जाती है और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा तुम्हारे फल लाने से प्रकट होती है,
तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम एक दूसरे से रखो, और इससे बड़ा प्रेम नहीं कि तुम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दो। तुम मेरे मित्र हो यदि मेरी दी हुई आज्ञाओं को मानो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी जो मैंने पिता से सुनी। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से तुम पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें देगा। तो फिर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखे तो याद रखो उसने पहले मुझसे बैर रखा। तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना मानकर प्रेम रखता, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुना है और तुम इस कारण संसार के नहीं, इसलिए वो तुमसे बैर रखता है। मेरी बात को याद रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी वो सताएंगे। यदि मेरी बात उन्होंने मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्होंने मेरे काम देखे और वे मुझसे और मेरे पिता से भी बैर रखते हैं। यह तो खैर होना ही था ताकि वो पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। वो सहायक आएगा, वो आत्मा जो सत्य प्रकट करता है और पिता की ओर से निकलता है। मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा और वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे। वो भी समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लोग ऐसा इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं, परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि जब समय आएगा और वे ऐसा करेंगे तो तुम याद करोगे जो मैंने कहा है। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता मैं कहां जा रहा हूं। जो अब मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे मन शोक से भर गए। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वे पाप में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? वो हमसे कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और वो ये भी कहता है इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, ये थोड़ी देर का क्या अर्थ हुआ? हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु जानता था वे उससे पूछना चाहते थे। मैंने कहा थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, क्या तुम मेरी इस बात को लेकर आपस में पूछताछ कर रहे हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार तो आनंद मनाएगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बच्चे को जन्म देते समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब बच्चा जन्मता है वो अपनी पीड़ा को भूल जाती है क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक बालक जन्मा है। ऐसा तुम्हारे भी संग हुआ। अभी तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, ऐसा आनंद जिसे तुमसे कोई छीन न पाएगा। जब वो दिन आएगा तुम मुझसे कुछ भी न मांगोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पिता तुम्हें सब देगा जो तुम उससे मेरे नाम से मांगोगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वो समय आएगा जब मैं दृष्टांतों में नहीं बल्कि खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जब वो दिन आएगा तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे प्रेम रखता है कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और विश्वास किया कि मैं उसकी ओर से आया हूं, मैं पिता की ओर से आया हूं और इस संसार में आया, और अब जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। तब यीशु के चेलों ने उससे कहा, अब तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है, अब तुझे आवश्यकता नहीं कि तुझसे कोई प्रश्न करे। इससे हमें विश्वास हुआ कि तू परमेश्वर की ओर से है। क्या अब विश्वास हुआ? वो घड़ी आ रही है, वरन वो आ चुकी है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने घर चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो भी मैं अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश पहुंचाएगा, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है, तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है। हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। मैंने उन्हें वो वचन पहुंचा दिया जो तूने मुझे दिया है, और उन्होंने इसे ग्रहण किया। वे इसे सच मानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया, और विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं पर उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, कि वे तेरे हैं। मेरा जो भी है वो तेरा है, और तेरा जो भी है वो मेरा है, और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है, और अब मैं तेरे पास आता हूं
मैं जगत में न रहूंगा पर वे जगत में रहेंगे। हे पवित्र पिता, अपने नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करना, ताकि वे भी उस समान एक हो जाए जैसे हम दोनों एक समान हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, ताकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। मैं इन्हीं के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरी विनती है कि वे सब एक हो, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है और तू मेरे समान ही उनसे प्रेम रखता है। हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी महिमा को देखें, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जानता हूं, और ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और ऐसा मैं करता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं। इस प्रार्थना को करके यीशु वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए। यहूदा उसका पकड़वाने वाला वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं, तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया।
उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमोन पत्रस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पत्रस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे, और पत्रस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए, जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। तब तक शमोन पत्रस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं, पत्रस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पत्रस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे, ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है?
मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, युग युग जी, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और फिर किले के भीतर जाकर यीशु से पूछा, तू कहां से आया है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुझसे क्यों नहीं बोलता? याद रख, मेरे पास तुझे छोड़ देने का या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है। तेरे पास मुझ पर अधिकार केवल इसीलिए है कि यह तुझे ऊपर से मिला है। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप तो इससे भी बुरा है। जब पिलातुस ने यह सुना तो उसने यीशु को छोड़ देने का मार्ग खोजा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं।
जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। सुनकर पिलातूस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है और वहां न्याय आसन पर बैठा। फसह से एक दिन पहले दोपहर थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, ये रहा तुम्हारा राजा, मार डालो, मार डालो, मार डालो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने उन्हें सौंप दिया। तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ
कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए। उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सप्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सप्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा।
तब वो दौड़कर शमोन पत्रस और दूसरे चेले के पास जो यीशु का प्रिय था आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमोन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने दो स्वर्ग दूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी तो क्यों रोती है, उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है, उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया। यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रबोनी, जिसका अर्थ गुरु है, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था, संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेलों ने उसे बताया हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं
और उनमें उंगली न डालूं और पंजर में हाथ न डालूं विश्वास न करूंगा। सात दिन बाद चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे तब यीशु आकर उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले, अपनी उंगली यहां डाल, मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, चेलों ने उससे कहा। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। वो चेला जो यीशु का प्रिय था उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु हैं। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन खाने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा,
शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रीति रखता था, जिसने भोजन के समय यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यही वो चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का अभिप्राय था कि हम जानें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब इन घटनाओं के लिखे जाने द्वारा यूहन्ना हमें यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब इसके दो अर्थ हैं। हमें ये स्वीकार करना है कि हमने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों ना दिखें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना है कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया है, अर्थात जो मृत्यु हमारे लिए नियुक्त थी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे देता है। अब जब प्रेरित थोमा का सामना इस सत्य से हुआ, वो इतना ही कह पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, अभी के अभी यदि आपकी इच्छा है तो आप ये अंगीकार करके परमेश्वर के संग शांति बना सकते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने परिपूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं अंगीकार करता हूं
क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने मेरे सारे पापों का दंड चुका दिया है एवं मेरे पापों की कीमत यीशु द्वारा चुकाने से मैं अनंत जीवन पाने तथा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का अधिकारी ठहरता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।